स्टार्ट द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव राइट टू अपॉइंटमेंट ओनली अगेंस्ट वैकेंसीज नोटिफाइड एंड दैट टू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सेलेक्ट लिस्ट एज द पैनल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन नॉट बी वैलिड फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड मोरओवर इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स इन एनी इवेंट कैन नॉट हैव अ राइट अगेंस्ट फ्यूचर वैकेंसीज इट हैज बीन फर्दर हेल्ड दैट अ पर्सन डज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इम्पैनल्ड अलोन एक्वायर एनी इन डिफिजिबल राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इम्पैनलमेंट इज एट द बेस्ट अ कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पर्पजेज ऑफ अपॉइंटमेंट एंड बाय इटसेल्फ डज नॉट अमाउंट टू सिलेक्शन एंड नॉर डज इट क्रिएट अ वेस्टेड राइट टू बी अपॉइंटेड अनलेस द रिलेवेंट सर्विस रूल्स प्रोवाइड टू द कंट्री इन द सेड केस एज द सिलेक्शन प्रोसेस वॉज कंप्लीटेड इन 5 years आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट अ कंटेंशन वॉज रेज्ड दैट द इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स डिजर्व टू बी अपॉइंटेड ओवर एंड अबव द वैकेंसीज नोटिफाइड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट rejected the contention observing that it may not be justified as offering the posts in such a manner would adversely prejudice the cause of those candidates who achieved eligibility in the meantime in view of the above The law can be summarized that appointments can not be made over and above the number of vacancies advertised as it would adversely affect and violate the fundamental rights of those who became eligible subsequent to the date of advertisement in pursuance of which the select list is prepared over